हेलो, आप सभी का स्वागत है रितेश हाइड्रोपोनिक क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अपने हाइड्रोपोनिक प्लांट से हम प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं। आप में से बहुत सारे एज अ हॉबी शौक के तौर पे भी हाइड्रोपोनिक कर सकते हैं, जिसमें आप कम जगह में पेस्टिसाइड फ्री और घर पे उगा हुए क्रॉप्स ले सकते हैं, जिनका टेस्ट बाज़ार के क्रॉप से अच्छा होता है। वहीं आप बात करते हैं, अगर आप हाइड्रोपोनिक कमर्शियल लेवल पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके क्रॉप सिलेक्शन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने आपका हाइड्रोपोनिक प्लांट जो लगाया हुआ है उसे अच्छे से मैनेज कर लिया तो इसमें आपका लगता है क्रॉप सिलेक्शन जो आपके सीधे प्रॉफिट से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आपका क्रॉप सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो ये सीधा आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, अगर आप कमर्शियल लेवल पे जाते हो तो चलो हम देख लेते हैं कि कौन से क्रॉप से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं कमर्शियल लेवल में हाइड्रोपोनिक सिस्टम से। अगर आप बड़े शहरों के पास में रहते हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ के पास में रहते हैं, जहाँ की जगह एग्जोटिक वेजिटेबल्स की डिमांड रहती है, वहाँ आप एग्जोटिक वेजिटेबल्स अपने हाइड्रोपोनिक प्लांट में लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसकी पूरे साल भर अच्छी डिमांड रहती है और उसी के साथ में प्राइस भी इनकी अच्छी रहती है, जो आपके नॉर्मल क्रॉप से हमेशा ज़्यादा ही मिलती है। एग्जोटिक वेजिटेबल्स जब भी आप ग्रो करें तो प्रो ट्रे सीडलिंग ट्रे का यूज़ करके उसकी नर्सरी तैयार करें, उसी के बाद आपके हाइड्रोपोनिक प्लांट में शिफ्ट करें। तो एक्जोटिक वेजिटेबल्स में हम बात कर लेते हैं तो एक पार्सले आता है जिसे अजमोद कहते हैं, सेलरी जो अजवाइन रहता है, उसके बाद में बात करते हैं तो चाइनीज़ कैबेज आपने सभी ने सुना होगा, ये ब्रोकली आता है, उसके साथ में येलो पेपर, इसकी भी बहुत डिमांड रहती है। आपका कैप्सिकम रेड आ जाता है, उसी के साथ में लेट्यूस जो कि लोला रसा क्वालिटी का है, ये रेड कलर में आता है, जो लोला रोसा है ये रेड कलर में आता है। उसी के साथ में आपका ग्रीन लेट्यूस भी आता है, लेट्यूस में भी बहुत वैरायटी आती है, आप उसका यूज़ करके डिमांड के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को सलाद या फिर हरी पत्तियों के रूप में खाया जाता है, जिससे कि हेल्थ बेनिफिट अच्छे रहते हैं। इसी के साथ में बात कर लेता हूँ, अगर आप ना मेट्रो सिटी के पास में रहते हैं ना इन एक्जोटिक वेजिटेबल्स की डिमांड है, तो आप किस तरीके से अपने हाइड्रोपोनिक प्लांट से नॉर्मल क्रॉप से इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक की ये खासियत है कि आप इसमें टेम्परेचर मेंटेन करके भी ऑफ सीजन अपनी वेजिटेबल्स क्रॉप्स इजीली इसमें ग्रो कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल क्रॉप्स की बात करते हैं तो इसमें आप स्पिनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया, स्ट्रॉबेरी, उसी के साथ में मिंट जो पुदीना रहता है वो आ जाता है। जो आपका पुदीना मिंट है इसमें पीएच इसी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये बहुत शानदार क्रॉप्स है। उसी के साथ में आप इसे राउंड ईयर लगा सकते हैं, साल भर इससे यूज़ भी कर सकते हैं, साल भर इसे लगा भी सकते हैं, ये किसी भी सीज़न में ईजिली ग्रो हो जाता है। उसी के साथ में ये सीज़न वाइज जैसे कि गर्मी में और बारिश के टाइम इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है, तो आप इसे इजीली गर्मी और बारिश में इसका प्रोडक्शन लेके इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसी के साथ में बात करते हैं स्पिनच और कोरिएंडर की, पालक और धनिये की, तो आप जिसे जानते हैं बारिश और गर्मी और बारिश के मौसम में धनिये और पालक की बहुत डिमांड रहती है। बारिश मानसून के सीज़न में ये होता है कि धनिया आप जब ग्राउंड पे लगाते हैं तो वो गल जाता, सड़ जाता, उसी के साथ में पालक में भी यही होता है, तो आप इसकी ऑफ सीजनिंग यानी कि गर्मी और बारिश में इसका अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि बारिश के टाइम धनिये का क्या भाव चले जाता है, तो आप उस टाइम लगा के इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसी के साथ में पालक और धनिये की खासियत ये है कि आप इसे पूरा न उखाड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे तो 20 से 25 दिन के बाद ये वापस से फुल्ली ग्रो हो जाता है, तो इस तरीके से आप इसकी 3 से 4 कटिंग ले सकते हैं और इजीली आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं आप स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो इसे विंटर से समर 4 से 5 महीने इसे भी लेके एक
एक पौधे में से आप 1 से 1.5 किलो आपकी स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं इजीली। विंटर से समर के सीज़न में ये लगाई जाती है। इसे इसका जो बॉक्स मिलता है वो 2 से 2.5 रुपए का पड़ता है। आप उसका यूज़ करके उसमें पैक करके इजीली अपने मार्केट में बेच सकते हैं, जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी। इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि जो मिंट है पुदीना, वो आप राउंड ईयर पूरे साल भर लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जो आपकी रहेगी वो विंटर से समर में रहेगी। कोरिएंडर और स्पिनच आपका इस समर से मानसून में अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। इस तरीके से आप नॉर्मल क्रॉप में भी ऑफ सीजन जाके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो आपके क्रॉप सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हमने प्रॉफिट के बारे में पूरा आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एग्जॉटिक कमर्शियल लेवल पे जाके एग्जॉटिक या फिर नॉर्मल क्रॉप से इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं हाइड्रोपोनिक प्लांट लगा के। धन्यवाद।